पुण्य ही प्रेरणा है और आपकी श्रद्धा ही आपको प्रेरित करती है उस पुण्य को पाने के लिए जो गंगा सागर में माँ गंगा के आलिंगन में आकर मिलती है। पश्चिम बंगाल में गंगा सागर वो जगह है जहाँ माँ गंगा सागर में आकर मिलती है। इसे हार्डेस्ट तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है, इसीलिए तो कहा जाता है सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। लेकिन सिर्फ एक बार गंगा सागर में आकर आप अनगिनत आशीर्वादों से अभिभूत हो सकते हैं। मकर संक्रांति वो दिन होता है जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है और ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा सागर में स्नान कर सूर्य भगवान को जलार्पण करते हैं तो आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं, जीवन का तमस सूर्य के तेज से खत्म हो जाता है। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमें इस पुण्य प्राप्ति स्थल पर आने का मौका मिला और वो भी मकर संक्रांति के समय। तो चलिए इस व्लॉग के जरिए आपको भी बताया जाए कि आप इस प्लेस पर कैसे आ सकते हैं, यहाँ आकर आप कहाँ रुक सकते हैं, बहुत सी ऐसी बातें जिन्हें सुनकर आप अपने गंगा सागर की जर्नी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हमारे अनुभव आपके लिए सीख बनेंगे जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले आपको बताया जाए कि गंगा सागर कैसे आ सकते हैं। जैसा कि गंगा सागर वेस्ट बंगाल में है तो आपको यहाँ पर कोलकाता आना होगा। कोलकाता अगर आप बाय एयर आना चाहते हैं तो इसके लिए आप सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ सकते हैं। अगर आप कोलकाता बाय ट्रेन आना चाहते हैं तो इसके लिए आप सियालदा या हावड़ा स्टेशन आ सकते हैं। फिर यहाँ से आपको जाना होगा धर्मतला बस स्टैंड, जिसके लिए आप बस या टैक्सी ले सकते हैं। धर्मतला बस स्टैंड से आपको जाना होगा काकद्वीप बाय बस, जिसका डिस्टेंस है 175 किलोमीटर और बस का किराया लगता है लगभग 220 रुपीज़। काकद्वीप से आगे का लगभग 45 मिनट का रास्ता जेटी से तय करना होगा, जिसके लिए आपको 40 रुपये पर पर्सन देने होंगे। पर पर्सन कितना है टिकट का? 80। आना जाना दोनों है ना उसमें? 40 का आना 40 का जाना। ओके। कोलकाता से गंगा सागर तक का ये जो सफ़र है ये हम करेंगे अपनी गाड़ी से, और लेकिन पूरा रास्ता हम अपनी गाड़ी से ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, आगे हमें जेटी लेनी होगी। तो नामखाना एक पॉइंट है जहाँ से हम जेटी लेंगे, देन वी विल गो टू गंगा सागर। इस प्लेस पर पहुंचने के बाद हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी और पर डे के हिसाब से 400 रुपीज़ यहाँ पर हमें पे करने थे। उस प्लेस पर आ गए हैं जहाँ से हम लेंगे अब जाटी और जाएंगे द्वीप पर। तो अब हम यहाँ से लेंगे जाटी की टिकट और आगे का रास्ता हम यहाँ से तय करने वाले हैं। यहाँ मैं सैल्यूट करना चाहूँगी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के हर एक एफर्ट्स को, जिसकी वजह से यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना नहीं करना पड़ा। जेटी ने हमें केचुबेरिया आइलैंड पर ड्रॉप किया और यहाँ से हम लगभग 2 किलोमीटर पैदल चले और बस स्टैंड पर पहुँचे। बस में बहुत ज़्यादा भीड़ होने की वजह से हमने बस से जाना कैंसिल किया और हमने ली टैक्सी। बस की अगर फेयर की बात की जाए तो 30 रुपीज़ पर पर्सन था और हमने 6 सीटर टैक्सी बुक की, जिसके लिए हमने पे किए 800 रुपीज़। केचुबेरिया से गंगा सागर का डिस्टेंस था 30 किलोमीटर, जिसके लिए हमने 800 रुपीज़ पे किए। क्या बता रहे थे कितनी बसेज आई हैं यहाँ से? ये जो बसेज हैं ये सारी वेस्ट बंगाल टूरिज्म वाली हैं। 500 बसें उधर से इस टापू पे लेके आए हैं। इस आइलैंड पे ओनली 40 बसें थी, 500 उधर से केवल गंगा सागर पे लेके ट्रांजिट पर्पस के लिए लेके आए कोलकाता से। तो टोटल हो गए 540 जो ये चार मतलब एक हफ्ते यहाँ पे रहेंगे फिर वापस जाएंगी। ये मेला 8 जनवरी से शुरू हुआ, 15 को इसका चलेगा। मतलब बसेस तो बाद में जाएंगी, जब तक ये चलता रहेगा बसेस रहेंगी।
मकर संक्रांति वाले दिन गंगा सागर में बहुत भीड़ होने की वजह से हम एक दिन पहले यानी 13 जनवरी को यहाँ आए। हमने सोचा था अगर कोई रुकने का बंदोबस्त हुआ तो ठीक, अदरवाइज वी विल बी बैक, क्योंकि गंगा सागर मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु स्नान के लिए आते हैं। तो 8 जनवरी से 15 जनवरी तक अकोमोडेशन मिलना, वो भी बिना किसी बुकिंग के, बिल्कुल असंभव था। इसीलिए जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं उन्हें जो भी जगह मिलती है, जहाँ भी जैसी भी जगह मिलती है, वो वहाँ पर मैट डालकर अपनी रात बिताते हैं ताकि ब्रह्म मुहूर्त में वो स्नान कर सके और अनंत पुण्य की प्राप्ति कर सके, और कुछ तो गैस चूल्हे भी अपने साथ लाते हैं। लेकिन किड्स के साथ इस तरह से रुकना हमें सही नहीं लगा। कपिल मुनि आश्रम की धर्मशाला में हमने रूम की बात की तो वहाँ पर रूम अवेलेबल नहीं थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाखों की संख्या में भीड़ आती है और वो पहले से ही सारे रूम्स बुक हो जाते हैं। तो शाम के समय स्नान किया, गंगा पर दीप प्रज्वलित किया, पूजा पाठ की और गंगा आरती अटेंड करने के बाद हम वापस केचुबेरिया लौटे। लेकिन मैं पूरे मन से चाहती थी कि मैं मकर संक्रांति वाले दिन भी गंगा सागर में स्नान करूं, लेकिन रुकने की व्यवस्था नहीं हो सकी, जिसकी वजह से मुझे अपना मन मारना पड़ा और वापस आने के लिए फैमिली के साथ सहमत हो गई। लेकिन अपनी इस जर्नी से मुझे कुछ बातें जानने को मिली, जैसे भगवान हमारे साथ अगर कुछ बुरा करता है तो उसके पीछे भी कुछ अच्छी वजह होती है, और अगर हमारे मन में सच्ची श्रद्धा होती है तो भगवान भी हमारी सुनता है, और वो कैसे वो आपको आगे पता चलेगा। तो इस शक्ति सा के लिए कुछ कहना चाहोगे? तो वेट कर रहे हैं बस कोहरा हटने का। ये कोहरा हटेगा, यहाँ से कब मूवमेंट होगी पता नहीं, आगे का 4 घंटे का रास्ता। अभी भी हो जाएगा, कभी भी हो जाएगा। नहीं कोहरा तो क्लियर होगा ही नहीं मेरे को लगता, क्या है रात में थोड़ा ना होता है पता। एक्चुअली क्या हुआ, फॉग की वजह से जेटी की मूवमेंट बंद कर दी गई। पहले हमें बोला 1 घंटे तक हमें वेट करना होगा, और उसके बाद बताया गया कि जेटी अब सुबह तक नहीं चलेगी। इसकी वजह से सब पैनिक कर गए, क्योंकि सबके साथ बच्चे थे जो वापस जाना चाहते थे, जिनकी कुछ प्रॉब्लम थी, अब वो रात कैसे बिताएंगे। सब बहुत ही ज़्यादा हौच पौच हो गया। फॉग की वजह से जेटी नहीं चल रही है और हम जा रहे हैं यहाँ पर यात्री निवास, देखते हैं वहाँ पर हमें जगह मिलेगी या फिर हमें रात कैसे बितानी होगी। वी रियली डोंट नो कैसे रहेगा सब कुछ, जुगाड़ बैठने का। तो फॉग की वजह से जेटी नहीं चल पाई और रात को हमें यहीं रुकना पड़ रहा है, और आप यहाँ पर क्राउड देख सकते हैं, इस तरीके के बहुत सारे यात्री निवास यहाँ बने हुए हैं जहाँ पर हजारों की संख्या में लोगों को रुकना पड़ रहा है, और ये आप देख सकते हैं किस तरीके से। लेकिन सुविधा की अगर बात की जाए तो सुविधाएं दी गई हैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से, और यहाँ पर हम इस तरीके से अपना बेडिंग तैयार कर रहे हैं। तो फिर ये है कि सुबह 4 बजे का अंधेरा, उस सुबह 4 बजे की फॉग। तो देखा आपने, भगवान की हर प्लानिंग के पीछे एक हिडन ब्लेसिंग होती है जिससे मैं भी ब्लेस हो सकी। जब फॉग की वजह से जेटी की मूवमेंट बंद कर दी गई तो सब पैनिक करने लगे, अब क्या होगा, कैसे रुकेंगे, कैसे सब कुछ मैनेज होगा। लेकिन मैं इसके बाद ये तो मान गई कि भगवान हमारे साथ जो कुछ भी करता है उसके पीछे हमारे लिए कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी होती है। 13th of Jan को जेटी की मूवमेंट बंद नहीं होती तो आज 14th Jan के दिन, मकर संक्रांति के दिन, मुझे यहाँ पर आकर गंगा सागर में स्नान करने का सौभाग्य नहीं मिलता। और इसीलिए तो कहा जाता है अगर आपके मन में सच्ची श्रद्धा है तो भगवान भी आपकी सुनता है। भगवान की हर प्लानिंग के पीछे एक हिडन ब्लेसिंग होती है, इसीलिए उस चीज़ को समझना चाहिए। अब हम आए हैं यहाँ पर सुबह के 5 बजे फिर से, और फिर से यहाँ पर गंगा स्नान करेंगे।
लास्ट में मैं आपको बस यही कहना चाहूंगी कि इस जर्नी में हमारा अनुभव बहुत सुखद था। कमी होने के बाद भी हमें किसी तरह की कमी का एहसास नहीं हुआ, मानो गंगे माँ ने अपने निर्मल जल से यहाँ पर होने वाली सारी कठिनाइयों की अग्नि को शीतल कर दिया हो। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने इस मेले को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया था। लाखों की भीड़ को इतने अच्छी तरह से बैलेंस करना, इतनी अच्छी तरह से सब कुछ मैनेज करना, सारी फैसिलिटीज़ थी, बहुत सारी संख्या में यात्री निवास थे, साफ टॉयलेट, फ्री पानी की व्यवस्था, सब कुछ। इन सब के बावजूद अगर हमें कोई कमी लगी तो बस वो यही थी कि वहाँ पर ATM मशीन काम नहीं कर रही थी, और जिसकी वजह से हमें कुछ परेशानियाँ उठानी पड़ी। अगर आप यहाँ पर आएँ तो अपने अकॉर्डिंग कैश लेकर आएँ। यहाँ पर अगर आप रुकना चाहते हैं तो 2-3 महीने पहले ही होटल्स और कपिल मुनि आश्रम में अपना रूम आप बुक कर सकते हैं, और अगर आप कंफर्टेबल हैं वहाँ पर किसी भी प्लेस पर मैट बिछाकर सोने में, तो आप ब्लैंकेट ला सकते हैं, बेडशीट ला सकते हैं, मैट ला सकते हैं, इस तरीके से आप अपनी वहाँ पर रात बिता सकते हैं। तो ये थी कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहती थी। बाकी हमारी गंगा सागर की यात्रा बहुत मंगलमय रही, और इसी आशा के साथ जब भी आप अपनी गंगा सागर की यात्रा करें आपकी भी यात्रा उतनी ही मंगलमय। इसी कामना के साथ मैं इस व्लॉग को विराम देना चाहूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, मेरे चैनल पर दिखाई देने वाली वीडियोज़ आपको इंटरेस्टिंग लगती हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और खूब सारा प्यार दें। तो चलिए मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय गंगा मैया। ज्यादा लंबा ट्रैफिक दिखेगा तो आज, मतलब ये इतना ज्यादा क्राउड आज, तो वहाँ पर हम रुक नहीं पाते फिर, है ना। अगर आज पैर नहाने के लिए भी ढंग से नहीं मिलता जैसे कल नहा लिए। मतलब इतनी तो निकल चुकी है बसेस, और कितनी का अब बाकी है। मैं तो पूरी लाइन है, देखो कहाँ तक है। तो इनको कैसे संभालेंगे वो? वही तो बोल तो रहे हैं, बोला हमने तो कल कम मजे लिए, जो आज जा रहे हैं वो ज्यादा मजे लेंगे। इसीलिए बोला जाता है सारे तीर्थ बार बार, और गंगा सागर एक बार।